सीबीआई ने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम ने राजधानी में शराब के लाइसेंस के एवज में साउथ ग्रुप से रिश्वत ली और इसका एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपके अभियान पर खर्च किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-20 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप में दर्ज मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आम आदमी पार्टी आप विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 3 सितंबर को जारी समन के जवाब में अदालत में मौजूद पाठक को 1,00,000 रुपए के जमानत बांड पर जमानत दे दी। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। 30 जुलाई को मामले में दायर सीबीआई की चौथी पूरक चार्जशीट में उनके और पाठक के साथ 4 अन्य लोगों अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी शरत रेड्डी का नाम शामिल था। हालांकि केजरीवाल के अलावा बाकी 5 आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि केजरीवाल मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे और साउथ ग्रुप के संपर्क में थे, जिसमें कि कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बूची बाबू गोरंटला, रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल थे। दिल्ली के सीएम ने कथित तौर पर राजधानी दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले इस समूह से रिश्वत ली और इसका कुछ हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एएपी के अभियान पर खर्च किया गया। सीबीआई के मुताबिक पाठक विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे और उसी के लिए रिश्वत का पैसा उनके निर्देश पर खर्च किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव से जुड़े सभी खर्च नकद में किए गए थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90,00,000 रुपए देने का वादा किया था। आपके तत्कालीन मीडिया प्रभारी विजय नायर की भूमिका पर सीबीआई ने कहा कि उन्हें केजरीवाल ने नियुक्त किया था और वे बैठकें कर रहे थे तथा आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधानों के बदले अनुचित रिश्वत की मांग कर रहे थे। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनसे दिल्ली में शराब के कारोबार में सहयोग देने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बैठक में केजरीवाल ने उनसे आपको वित्तीय सहायता देने के लिए कहा था। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि चौहान और माथुर पैसे के हस्तांतरण में शामिल थे तथा पूर्व चौहान कविता के निजी सहायक के साथ समन्वय कर रहे थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अरोड़ा दिल्ली में महादेव शराब के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जिम्मेदार थे। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी से सरकारी गवाह बने पी शरत रेड्डी ने भूमि सौदे की आड़ में कविता को 14 करोड़ रुपए दिए। यह भी बताया गया कि उन्होंने दिल्ली में 5 शराब की दुकानें हासिल की। केजरीवाल को सबसे पहले 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अन्य आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें 26 जून को मामले में सीबीआई ने भी हिरासत में लिया और 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में है। ये मामला दिल्ली सरकार की 2021-20 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य शहर के शराब कारोबार को पुनर्जीवित करना था। इसका उद्देश्य बिक्री मात्रा आधारित व्यवस्था को व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क वाली व्यवस्था से बदलना था और ग्राहकों को बेहतर खरीदारी का अनुभव देने के लिए कुख्यात धातु की ग्रिल से मुक्त शानदार दुकानें बनाने का वादा किया था। इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली में पहली बार हुआ। हालांकि यह योजना अचानक समाप्त हो गई जब दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि नीति को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया और 2020 से 21 की नई नीति लागू की गई। आपने आरोप लगाया कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने अंतिम समय में कुछ बदलाव करके इस कदम को विफल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षा से कम राजस्व प्राप्त हुआ। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।